ब्राह्मण जबकि कोई कार्य नहीं करता, केवल पत्रा देखने का कार्य करता है, बात बनाने का कार्य करता है, खाने का काम करता है, सबसे झूठ बोलता है, ऐसे अंधविश्वासी स्वप्न दिखाता है जो कभी स्वप्न में सच्चे, वास्तव में सच्चे नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है सीएस भंडारी जी, जो बहुत बड़े समाज सेविक हैं। आज हमसे पूछना चाहेंगे कि हिंदू रीति के हिसाब से क्या ब्राह्मणों को भोग लगाना ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं एसएम न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे विचार रखने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये बड़ा हास्यप्रद क्वेश्चन है और मुझे बड़ा हंसी आ रही है कि आपने ये प्रश्न कैसे किया है। देखिए, ब्राह्मण का भोग लगाना या ब्राह्मण के भोग लगाने के बाद खाना, ब्राह्मण को जिमाना, उसको दान दक्षिणा देना, ये एक आडंबर है, आचार संहिता नहीं है। ब्राह्मण व्यक्ति है, शूद्र भी व्यक्ति है, उसी प्रक्रिया से जिससे ब्राह्मण पैदा होता है उसी प्रक्रिया से शूद्र पैदा होता है, उसी प्रक्रिया से क्षत्रिय पैदा होता है, उसी प्रक्रिया से वैश्य पैदा होता है। केवल भारत में ही मनुस्मृति के मानने वाले लोगों ने, आर्य लोगों ने चार वर्ण बनाए और चार वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना। ब्राह्मण जबकि कोई कार्य नहीं करता, केवल पत्रा देखने का कार्य करता है, बात बनाने का कार्य करता है, खाने का काम करता है, सबसे झूठ बोलता है, ऐसे अंधविश्वासी स्वप्न दिखाता है जो कभी स्वप्न में सच्चे, वास्तव में सच्चे नहीं हो सकते। तो ब्राह्मण को भोग लगाना, ब्राह्मण को सर्वोच्च मानना, ये बुद्धिस्टों की कल्चर में नहीं आता। इसलिए हमें ब्राह्मण को एक व्यक्ति के रूप में ही मानना चाहिए, एक जाति के रूप में मानना चाहिए, न कि उसको अपना ईश्वर या अपना महान या अपना देवता या भोग लगाने लायक हम माने। यह हमारी बुद्ध रीति के अनुसार है। तथागत भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसमें सब समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबको समानता का, बराबर का अधिकार है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया उसमें भी समानता दी गई है। मैं अंत में आपसे यही बात कहूँगा कि बहुत ही हास्यप्रद और जिसे कहना चाहिए मन घड़ंत या अंधविश्वासी ये सवाल है कि हमें हिंदू धर्म के अनुसार भोग लगाकर ब्राह्मण को कोई खाना खाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है, एक जीने की कला है जो मोमडन मुसलमानों के काल में, मुग़ल काल के बाद में हिंदू शब्द की व्याख्या हुई है। कहीं भी डिक्शनरी में हिंदू शब्द नहीं है। गौतम बुद्ध के हिसाब से सभी धर्म समान होते हैं, सभी लोग समान होते हैं, ना कोई ऊंचा होता है ना नीचा, तो ब्राह्मण को भोग नहीं लगाना चाहिए, सभी को समान दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जैसे ब्राह्मण का जन्म हुआ है वैसे ही हर इंसान का जन्म हुआ है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।